ग्वालियर में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जहां कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्मियों को सख्त सजा देने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग में बाल अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ महिलाएं अत्याचार सहते सहते अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है, जिससे नाराज ग्वालियर महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रुचि गुप्ता ने महिलाओं और मासूम बालिकाओं की सुरक्षा की खातिर पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि ऐसे अपराधियों को कठोर दंड दिया जाए। पिछले कुछ समय से ग्वालियर में बराबर ये देखा जा रहा है कि बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न की जो परेशानियाँ वो बढ़ती चली जा रही हैं। आज जो पुलिस हमारे अधीक्षक हैं आदरणीय हैं, उनको दिया है हमने ज्ञापन और ये बोला है कि एक जो कुछ दिन पहले एक घटना हुई है जिसमें तीन छोटी छोटी बच्चियों को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने टॉफी के बहाने बुलाया और उसको टॉफियाँ दी और उसके बाद घर ले जाकर उनके साथ गलत हरकत दी है, तो इसको लेकर हमने उनको एक ज्ञापन दिया है कि इस तरह की जो हरकतें हैं, यदि ये जो आरोपी है ये छूट गया जल्दी या जल्द सामान्य धाराएं इन पर लगती हैं तो ये जो आरोपी हैं और भी ऐसे जो समाज में घूम रहे हैं उनको बल मिलता है, तो उनको एक सबक सिखाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को छोड़ा ना जाए और जघन्य अपराध की श्रेणी में लिया जाए। आदरणीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके निर्देशानुसार अर्चना जायसवाल जी, ये हम लोगों ने महिला उत्पीड़न जो हमारा प्रकोष्ठ है उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए आज महिला जिलाध्यक्ष मैं यहाँ पहुँची हूँ और इसकी रिपोर्ट हम लोग बराबर ऊपर करेंगे और ये मांग की है इसकी से कि यहाँ इसको बख्शा ना जाए, छोड़ा ना जाए, बच्चियों को देखरेख में रखा जाए ताकि उनके साथ पुनः कोई इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए महिला अभी ग्वालियर थाना जनकगंज क्षेत्र अंतर्गत एक प्रकरण हुआ था जिसमें कि एक वृद्ध व्यक्ति ने छोटी बच्ची को अपने मोबाइल पर एक पॉर्न फिल्म दिखाई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और चूंकि छोटी बच्ची से जुड़ा हुआ मामला था तो इसमें गिरफ्तारी भी हो गई। हम इसको सनसनीखेज जो प्रकरणों की श्रेणी में रखेंगे और हमारा प्रयास इसमें रहेगा कि अच्छी विवेचना करा के माननीय न्यायालय से सजा दिला। इस संबंध में ही ये ज्ञापन दिया गया था कि इसमें जो आरोपी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इसमें अच्छा रहे ये हमारा प्रयास है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से उपाध्यक्ष रचना कुशवाहा, प्रदेश सचिव निधि शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष रानू शर्मा एवं अन्य महिलाएं भी उपस्थित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।